हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 5th। फोर्थ चैप्टर तक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी, आज हम चैप्टर 5th देखने वाले हैं। जो चैप्टर 5th उसका नाम क्या है, शासक और इमारतें। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और अपने नोट्स बना लेने हैं। शासक और इमारतें, इसमें हम जो जो से टॉपिक पढ़ेंगे वो है कुतुब मीनार। हम कुतुब मीनार के बारे में पढ़ेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, कितनी मंजिला इमारत है। फिर हम देखेंगे अभियांत्रिकी कौशल, इसमें एक टेक्निक आई थी अनुप्रस्थ टोड़ा टेक्निक, वो क्या थी। 11वीं शताब्दी में जो कंदरिया महादेव मंदिर था उसका निर्माण हुआ था, क्यों हुआ था। राजराजेश्वर मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, मंदिर को नष्ट क्यों किया गया था। मंदिर मस्जिद होज ये सब पढ़ेंगे। होज किसे कहते हैं, जहां पानी भरा जाता है। बाग मकबरे किले इनके बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्र और साम्राज्य भी हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में सब जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किया था। कब क्या था, 1199 एडी। एडी मतलब क्या होता है, एना डोमिनी। ठीक है, पांच मंजिला इमारत है। कुतुब मीनार क्या है, पांच मंजिला इमारत है। अब कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, पर इसकी जो शेष मंजिल है उसका निर्माण किसने किया था, उनका निर्माण किया था इल्तुतमिश ने। कब किया था, 1229 में। अभिलेख जो है पहले छज्जे के नीचे है। इसमें जो कुतुब मीनार है ना, उसमें अभिलेख लिखे गए हैं। कहाँ लिखे गए हैं, पहले छज्जे के नीचे। और किस भाषा में लिखे गए ये पूछा जाता है, तो अरबी में लिखे गए हैं। मरम्मत जो बाद में, जैसे बहुत सारी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, आंधी तूफान चलता है, तो इमारत है खराब भी होती है, क्षतिग्रस्त भी होती है, तो उनकी जो मरम्मत कराने का काम किया था वो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने किया था। फिर आ जाता है अभियांत्रिक कौशल। ठीक है ना, इसमें क्या है, विशाल कक्ष थे बहुत सारे, और उसमें जो विशाल कक्ष में एक टेक्निक यूज की गई थी अनुप्रस्थ टोड़ा टेक्निक, इससे ही मेहराब के निर्माण हुआ था। वास्तुकला की शैली, 7वीं और 10वीं शताब्दी में क्या हुआ था, भवनों में अधिक दरवाजे और खिड़कियां निर्मित की गई थी। एक यूपीएससी का क्वेश्चन है, कहां से, रानी जी की बावड़ी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान की बूंदी में स्थित है क्या, रानी जी की बावड़ी। 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी बावड़ी जो रानी जी की बावड़ी, बावड़ी कहते हैं जहां पानी भरा रहता है। ठीक है, पानी होता है जिसमें, जो 50 बावड़ियों में सबसे ज्यादा बड़ी है, पानी की आवश्यकता के लिए होती है। ये क्यों फेमस है, स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात है। 1699 ईस्वी में जो रानी नाथावती, ठीक है ना, उन्होंने इनका निर्माण किया था रानी जी की बावड़ी के नाम से। बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी रानी नाथावत। आ जाता है 11वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण। फर्स्ट आ जाता है कंदरिया महादेव का मंदिर, जो 999 ईस्वी में प्रचलित था। राजा धंगदेव के द्वारा बनाया गया था, जो चंदे राजवंश के राजा थे। इसमें क्या है, महामंडप है। महामंडप मतलब सभागृह कहते हैं, जहां पे क्या होता था, नृत्य का आयोजन किया जाता था। एक है गर्भगृह, जिसे कहते हैं मुख्य स्थान, जहां धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे वो सिर्फ राजा और राजा के निकटतम परिवार या पुरोहित ही करते थे। जो नीचे जाति होती थी उन्हें करने का, या सामान्य लोगों को इस धार्मिक अनुष्ठान या इस मंदिर के गर्भगृह में जाने का अनुमति नहीं थी। शिव की स्तुति में बना मंदिर है। कंदरिया महादेव से मतलब महादेव नाम से पता चला है, तो शिव की स्तुति में बना मंदिर है। राजराजेश्वर मंदिर, यह कहाँ है, तंजावुर में है। सबसे ऊंचा शिखर है इसका, ठीक है। राजा राजदेव ने बनाया था, नाम से पता चला है, देखिए नाम में ये राजराजेश्वर मंदिर, तो राजा राजदेव ने बनाया था। मंदिरों के पास गाँव को चारुपुल्लम आज भी नाम से जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है चारुपल्लम का, कि चढ़ाईदार रास्ते का गाँव। ये मंदिर काफी ज्यादा इमारतों का सबसे ऊंचा इसका शिखर था। फारसी शब्द की बात करें तो आबाद और आबादी दोनों किससे निकले, आब से निकले है। आब का मतलब क्या होता है, पानी। आबाद मतलब क्या होता है, बसावट, खुशहाली। पूछा जाता है मेल मिलाप वाले जो वर्ड्स आते हैं ना, उसमें ये एमसीक्यू बन के आ जाते हैं। आबाद का मतलब क्या होता है, बसावट या खुशहाली, और आबादी का मतलब होता है जनसंख्या समृद्धि। आगे आ जाता है 12वीं शताब्दी में दो शैली परिवर्तन हुए, एक तो चापाकार रूप, एक निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। चापाकार रूप क्या होता है, दरवाजों और खिड़की के ऊपर की जो जो हमारी आधार संरचना होती है, ठीक है ना, अधिरचना, उसका भार मेहराबों पर डाल दिया जाता था। फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन क्या है, अल्लाह की परछाई, अल्लाह की परछाई कहा जाता है उन्हें। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली या कुआना के निकट विशाल तालाब का निर्माण कराया, इस विशाल जलाशयों के कहते हैं होज सुल्तानी, या कहा जाता है राजा का तालाब। पिश्तक, एक वर्ड आया है पिश्तक। पिश्तक का मतलब क्या होता है, मेहराबदार प्रवेश द्वार। डॉट, डॉट का मतलब पूछा गया है मेहराब के मध्य में, जो मेहराब के मध्य का भाग होता है उसको कहते हैं डॉट। अब आ जाते हैं बाघ। बाघ जो है अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बाघों की योजनाओं को वर्णन किया है। अब बाबर की आत्मकथा, ठीक है ना, बाबर की आत्मकथा कौन सी है, बाबरनामा, जिसे तुजके बाबरी भी कहा जाता है, और यह मोहम्मद बाबर ने लिखी थी। पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाघ, बाघ निर्माण जो औपचारिक योजना है किसने की थी, बाबर ने शुरू की थी। निर्माण शुरू किया था, औपचारिक योजना दी थी बाबर ने, लेकिन निर्माण शुरू किया था अकबर ने। आयताकार आकृति, नेहरू द्वारा इसका विभाजन हुआ है।
एक आता है ये तो बाग है, चार बाग, चार बाग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चार बाग नाम से ही पता चल रहा है, चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण इसको चार बाग कहते थे। चिहिल सुतुन जो है 40 खंभों के सभा भवन कहते थे। दीवाने खास होता है सार्वजनिक कक्ष, दीवाने खास, ठीक है। दीवाने आम की बात होती है, व्यक्तिगत कक्ष। एक आ जाता है नदी तट बाग, निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास के बाग के किनारे, उन्हें कहते हैं नदी तट बाग। शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई थी, जहां ताजमहल है। यहां सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट यमुना के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। शाहजहां ने क्या किया, दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राज्य के न्याय पर बल दिया, बादशाह के सिंहासन के पीछे, ठीक है। पितरादुरा के नाम की श्रृंखला बनाई। पितरादुरा क्या है, तो पितरादुरा जो होता है वो उत्कर्णित संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने होते हैं। इसमें क्या होता था, यूनानी देवता, यूनानी देवता कौन सा, ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता था, यह कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता धूमिल हो गई और बाद में भी अन्य शासकों ने जो वास्तुकलात्मक शैली अपनाई, क्योंकि वास्तुकलात्मक शैली अकबर को बहुत प्रिय थी, जहांगीर और शाहजहां को भी। देखिए लिखा है बाबरनामा, बाबरनामा को तुजुके बाबर भी कहा जाता है, यह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने लिखी थी। तो इस चैप्टर के नोट्स क्या हो जाते हैं आपके कंप्लीट, मैं स्टार्टिंग से आपको नोट्स दिखा रही हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और नोट्स बनाते चलना है। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में मुझे बताना है। ना तो आप कमेंट्स करते हो, ना आप वीडियो को लाइक करते हो और ना आप शेयर करते हो। अगर ऐसे ही आप करोगे तो मैं फिर मैं आगे की वीडियो के जो नोट्स है वो अपलोड नहीं करूंगी। आप मुझसे नोट्स की पीडीएफ मांगते हो, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इतने आप वीडियो को पॉज कर अपने नोट्स बना सकते हो, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे लास्ट में दिखाती हूँ ताकि आप अपने नोट्स आराम से बना लो। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे फ्रेंड्स, एक बात बताओ, फिर मैं वीडियो कैसे अपलोड करूंगी। जब आप मुझे सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइबर मेरे गेन होंगे, वो टाइम गेन होगा, लाइक्स होंगे, कमेंट्स आएंगे, तभी तो मैं फिर मुझे एक मैं मोटिवेट होंगी कि नहीं मेरे नोट्स सबको अच्छे लग रहे हैं, चाहिए उन्हें नोट्स, फिर तभी तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। तो अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपको वीडियो बनाकर मैं उसे अपलोड करती हूँ, तो आपको भी थोड़ी बहुत इतना तो करना होगा, कम से कम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो, लाइक कर दो।